घर में आया, कदमों पे बोसा दिया, बोसा दे के कहा मालिक अल्लाह एक पैगाम दे रहा है। जिब्राइल कौन सा पैगाम? आवाज आई वह शम से वह सुहा, अल्लाह कह रहा है तेरी भी कसम, तेरे चेहरे के नूर की भी कसम। मेरा बनाने वाला, मेरे कसीदे बड़ा, मेरा बनाने वाला, मेरा मोहब्बत अपने महबूब के कसीदे पढ़ रहा है। बस दिल में फखर हुआ। जिब्राइल ने पैगाम दिया, अभी बड़ा मुश्किल सिदरा पे पहुंचा था कि आवाज कुदरत आई। जिब्राइल पैगाम पूरा दे गया, मालिक कैसे कहा मेरे हबीब को कहे, बस शम से बस की बस्ती में उतरा, फिर कदमों पे हाथ रखे, देख के कहता है अल्लाह कह रहा है वह शम से वह सुहा, तेरे भी कसम, तेरे चेहरे की भी कसम, वल कमरे इसा तलाहा, और कसम है उस सूरज की, जो उस चांद की, जो सूरज के पीछे चल रहा है। बस जिब्राइल का कहना था, रसूल ने एक लम्हे के लिए मुड़ के देखा तो मंजर शमसे नबुवत मैं, कमरे विलायत अली, और अल्लाह ने बोला क्या कहा, वह शमसे वह सुहा वल कमरे इज़ा तलाहा। अल्लाह कहता है मुझे कसम है चांद की और इसके सूरज के पीछे चलने की। यानी को इतनी इत्तबा की अली ने रसूल की, अल्लाह ने इस इत्तबा की भी कसम ली। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ख्याल है, रसूल से किसी बंदे ने पूछा था, या रसूल अल्लाह कि अल्लाह ने कौम बनी इसराइल का जिक्र किया है कुरान में, अब कौम जो नहीं रही तो ये आयतों का क्या फायदा, अब कौम ही नहीं रही इन आयतों का क्या फायदा। रसूल ने देख के फरमाया था, बंदा खुदा याद रखना, अल्लाह ने कुरान भेजा है कयामत तक। अल्लाह ने कुरान किसी एक कौम के लिए नहीं भेजा, भेजा है कयामत तक के लिए। कौम पर इसराइल चली गई तो उसके मिसल दूसरी कौम आएगी, वो चली जाएगी, तीसरी आएगी, वो चली जाएगी, चौथी आएगी। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ज़माने रसूल में शम्से नबूवत मोहम्मद थे, कमरे विलायत सरकार अमीरुल मोमिनीन थे, जब रसूल भी ना रहे, जब अली भी ना रहे, फिर शम्स कौन है, फिर कमर कौन है। आओ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब नबूवत का जमाना गुजर गया, फिर शम्स कौन था, फिर कमर कौन था। अल्लाह ने क्या कसम खाई, मुझे कसम है सूरज की उसकी रोशनी की, मुझे कसम है चांद की उसके इत्तबा की। आओ प्यारे दोस्तों, ये शम्स कौन है, तीन शौबान है, हवेली है, इस्मत है, कुरान नाते का है, मेरी बीबी की झोली में जैसे शब्बीर आए, रसूल चलते हुए आए, और ये लफ्ज कहा वह शम्स है वह सुहा। इमामत मिल गया, ये चांद कौन है जो हुसैन के पीछे आ रहा है। मैंने अगर आपके हाथों पे जंग लग चुका है तो मैं वक्त याद दिला देता हूं, तीन शाबान को हुसैन आए, रसूल ने कहा वह शम्स है वह सुहा ऐ ज़हरा।
कर उतरा। चार शाबान का दिन था, चलते हुए अली अपने अबी तालिब पंगूड़े के पास आए और फिर रसूल के प्यारे भाई ने फरमाया वल कमरे इजा तलाहा, तीन को इमामत का सूरज आया, चार को वफा का चांद आ गया। तीन को हुसैन आए, चार को अब्बास आए। जुमला कहते कासिम शादी है, अब्बास और हुसैन में एक फर्क है, जिसके कपड़े जन्नत से आए उसे हुसैन कहते हैं, जिसके कपड़े जहरा बनाए उसे अब्बास कहते हैं। एक अलमदार के लिए, एक अजादार के लिए, एक अलमदार के लिए, एक अजा। ये दुआए जहरा का समर है, यही वजह है अलमदार के लिए मांगी वो भी बावफा, अजादार के लिए मांगी ये भी बावफा। क्या ख्याल है, क्या है मकाम अब्बास? वो जात है अब्बास कि जिसके बारे में नबियों ने कहा मालिक अल्लाह नबूवत ना दे अब्बास की महफिल दे दे, मालिक अल्लाह नबूवत ना दे अब्बास की महफिल दे दे। और कुरान से साबित करते हैं मेरे दोस्तों, कुरान जो है अल्लाह का नबी है जिसका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक दुआ मांगी रब्बे हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, मालिक वो तेरे से मेरा याराना है, दोस्ती है, लेकिन मालिक इब्राहिम उसे मानता है मुझे हिकमत भी अता कर और सालहीन से मिला दे, हिकमत भी अता कर और सालहीन से मिला दे। अच्छा कौन है ये सालहीन? नबूवत मिल चुकी, खुल्लत मिल चुकी, इमामत मिल चुकी, फिर ये कौन है सालहीन जिनसे मिलने की ख्वाहिश दिल इब्राहिम में उठ रही है? अच्छा ये तो एक नबी था, आओ दूसरे नबी के दरबार में चलते हैं। नाम है यूसुफ, जिससे ज्यादा हसीन किसी को बनाया ही नहीं। जिंदान में बैठा है, देख कहते या फातर समावात वल अर्ज, ऐ वो अल्लाह कि जिसने बगैर नमूने के जमीन भी बनाई आसमान भी बनाए, अंता वली फिर दुनिया वल आखिरा, मालिक तू ही तो वो जात है जो दुनिया में भी मेरा वली है आखिरत में भी मेरा। अब दुआ मांगी तवफ्फिनी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन, मालिक बस यूसुफ इतना चाहता है जब मैं मरूं तो मुसलमान मरूं, जब मैं मरूं तो शायद मैंने बात कह दी है सरों से गुजर गई है गौर किसी ने किया यार जो नबी था क्या वो मुसलमान नहीं था? जो नबी था क्या वो मुसलमान नहीं था? मालूम है कोई ऐसा इस्लाम है जो नबूवत से भी अजीम है, कोई ऐसा इस्लाम भी है जो नबूवत से भी अजीम है। आगे का वल हिकनी
صالحین اور مالک بس میری یہی خواہش ہے مجھے صالحین سے ملا دے. اب میرا مجمع میری طرف توجہ کرو, میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. سرکار ابراہیم نے بھی دعا مانگی کہ مالک اللہ مجھے صالحین سے ملا دے. سرکار یوسف نے بھی دعا مانگی مالک اللہ مجھے صالحین سے ملا دے. آخر یہ صالحین ہے کون؟ یہ راز کبھی نہ کھلتا جب امام صادق کربلا کی زمین میں داخل ہوئے اپنے چچا عباس کی قبر میں. سرکار آئے, جیسے قبر پہ آئے سرکار نے سلام کیا, السلام علیکہ یا عبد الصالح, اے اللہ کے صالح بندے میرا سلام ہو. یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں مالک تیری دربار میں دعا کرتے ہیں ہمیں عباس سے ملا دے. اسم ہے عباس کی ذات. ایک اور منظر دکھاتا ہوں. آخر کیوں مانگی نبیوں نے دعا؟ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ گئے کوہ طور پر لینے گئے تورات, 30 راتوں کا وعدہ کیا. ہمارے قدرت موسیٰ تو بڑی پیاری باتیں کرتا ہے, 10 دن اور بھی رک جا. کلیم تھا نا, اللہ سے باتیں کرتا تھا موسیٰ. زبان میں بڑی شیریں ہیں, بڑا خوبصورت طرح لہجہ ہے, بڑی پیاری تری باتیں ہیں. 10 دن اور پھر رک جا. موسیٰ رک گئے, قوم نے پیچھے بچڑا بنا لیا, بچڑے کی پوجا شروع کر دی. بچڑے کی ایک بڑا باریک سا جملہ کہنا چاہتا ہوں, بچڑے کی پوجا شروع کر دی. دیکھو یہ آج کی بات نہیں, موسیٰ کے زمانے سے یہ ریت پڑی ہوئی ہے. جب بھی حجت پردے میں جائے لوگ بچڑوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی حجت محلے بانٹ کے نعرہ مارنے کا کافی ہے. جب بھی حجت پردے میں جائے لوگ بچڑوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. خیر 40 دن مکمل ہوئے, سرکار موسیٰ واپس آئے. منظر کیا ہے؟ بندے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. غضبناک ہوا اللہ کا کلی, تورات کو زمین پہ رکھا, ہارون کے پاس آیا, داڑھی سے بھی پکڑا, سر کے بالوں سے بھی پکڑا. تجھ پہ میری ماں بھی, کون سا باپ؟
इसके बारे में रसूल ने फरमाया या अली लहमों का लहमी दमों का दमी, या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। और माँ कौन सी? अल फातिमा तो बस अब नहीं, फातिमा मुझ मोहम्मद का बाज है, गोया ज़ात मोहम्मद में भी हिस्सा, सिफात मोहम्मद में भी हिस्सा, यानी एक विलायत के मालिक, दूसरी नबूवत की मालिका। और हुसैन कह रहे हैं बे अभी अंता व उम्मी अब्बास, तेरे ऊपर अली जैसा बाप भी कुर्बान, फातिमा जैसी माँ भी। आओ मेरे दोस्तों थोड़ा आगे का सफर करें। अरब का एक शायर है, उसने एक शेर लिखा था। शेर क्या लिखा? जो उसने मसाइब का लिखा, लेकिन एक जुमला ऐसा लिखा, लिखने के बाद सर पकड़ के बैठ गया और कलम को रख दिया। शेर कौन सा है? कसीदे का पहला जुमला, नामतुल अयूनो बे कलम तनम, अब्बास आज वो आंखें सो गई जो तेरे डर से नहीं सोती थी। इसी को लिखते लिखते आगे आया, लिखता है जो माँ अबुल फजल इस्तजारा बेहल हुदा, दस महर्रम का दिन ऐसा दिन था कि जिस दिन हिदायत अब्बास की पनाह में थी। दस महर्रम का दिन ऐसा दिन था कि जिस दिन हिदायत अब्बास की पनाह में थी। लिखा, फिर सर पकड़ के बैठ गया, कलम रख दिया है। ये मैंने क्या लिख दिया? इसके सामने कुरान की एक आयत थी, कौन सी आयत? आना मुंतर भले कुल्ले कौम हार, मैं मुस्तफ़ा डराने वाला हूँ और हर कौम के लिए एक हाथी है। वो हाथी कौन होता है? जो वक्त का इमाम हो वो हाथी होता है। और इसने क्या लिखा? चौमा अबुल फजल इस तजारा बिल खुदा, दस महर्रम का वो दिन था कि जिस दिन हिदायत अब्बास की पनाह में थी। सोचने लगा है ये कैसी बात लिख दी मैंने, हुसैन मौला है अब्बास का, हुसैन मौला है अब्बास का, अब्बास अब्द है हुसैन का। ये क्या लिख दिया कि हुसैन अब्बास की पनाह में। बस इसी फिक्र के दौरान इसे नींद आई, ख्वाब में मजलूम ने कर्बला आए, देख के कहते हैं बंदा है खुदा तुझे क्या हुआ? ये देख के कहते हैं मौला ऐसा जुमला लिख दिया जिसके बाद मुझे लिखने की जुर्रत नहीं हुई। हुसैन देख के फरमाते हैं तूने क्या लिख दिया? ये कहते हैं मैंने लिख दिया कि कर्बला में अब्बास की बला में हुसैन रह रहा था। शब्बीर ने देख के फरमाया बंदा खुदा याद रखना, बल्लग इला शियति इन्नी हुसैन इब्न अली इस्तजारा फिल वजूद, ऐ बंदा खुदा जमाने को बता देना दस मुहर्रम वाले दिन अल्लाह की पूरी कायनात मुझ हुसैन के पनाह में थी। वाला किन्ना इस्तजर तो पे अबिल फजल अब्बास, पूरी कायनात मेरी पनाह में थी, मैं शब्बीर अब्बास की पनाह में। पूरी कायनात मेरी पनाह में थी, लेकिन मैं हुसैन अब्बास की पनाह में था। यार दो ही चीजें मैंने देखी हैं, एक रिदाए फातिमा अगर फैल जाए तो मुस्तफा से लेकर हुसैन तक सबको पनाह में ले लेती है, और दूसरा अब्बास अगर इस तरह बाजू फिरा दे तो फिर इमामत को भी अपनी पनाह में ले लेता है, इमामत को भी। आओ मेरे दोस्तों आप आगे चलो थोड़ा सा। मालिक अश्तर का नाम सुना है किसी ने? कौन था भला ये? मौला का जर्नैल था। ये वो बहादुर था कि जिसकी बहादुरी के कसीदे खुद अली ने पढ़े थे।
की बहादुरी के कसीदे खुद अली अलैहिस्सलाम ने पढ़े हैं। कितना बड़ा बहादुर है। मौला फरमाते हैं लौ अन्ना मालिका दखला फी गाबतिन ज़ुलमा फी लैलतिन सौदा लम यरजिफ कल्बु मालिकिन। मालिक वो बहादुर है अगर किसी ऐसे जंगल में दाखिल हो कि जिसके ऊपर इतने दरख्त हों कि दिन को भी रात लगे, दिन को भी रात लगे, और फिर ऐसी रात में दाखिल हो कि जिस रात में चांद भी ना निकले। लम यरजिफ कल्बु मालिकिन। अली फरमाते हैं याद रखना इस कदर मुश्किल तरीन लम्हे में भी मालिक के दिल में खौफ नहीं आते। मालिक के दिल में खौफ नहीं आता। यहाँ पे लफ्ज़ आ गया लम यरजिफ। जब कभी बंदा खाइफ होता है ना, जब उसका दिल जो तेजी से धड़कता है, इस सूरत को कहते हैं रजफ। जब बंदे का दिल तेजी से धड़के, दिल में खौफ आए, इसलिए मालिक कहता था ना मेरा कभी दिल धड़का है और ना मुझे पता है कि मेरे सीने में दिल है भी या नहीं। अब आपको पता चल गया मालिक इतना बड़ा बहादुर कि जहां भी चला जाए ना दिल धड़कता है ना दिल में खौफ आता है। अली करने गए हैं जंग, जंग हो रही है खारजियों के खिलाफ, नहरवान की जंग है, अली मैदान में है। मालिक कहता है मैंने मंजर देखा कि अली ने अपनी फौज को तरतीब में लगाना शुरू किया। तरतीब क्या थी? मालिक कहता है मंजर देखा कि मैमने पर अली ने हुसैन को खड़ा किया, मैसरे पर अली ने हसन को खड़ा किया, कलबे लश्कर में खुद अली खड़े हुए, दूर एक पुल था, देख के मैं अब्बास तू उस पुल पे खड़ा हो जा, तू उस पुल पे खड़ा हो जा, तू उस पुल पे खड़ा हो जा। जैसे ये कहा मालिक आगे बढ़ के कहता है शाह अमीर अल मोमिनीन अन्नहु सगीरुन, ऐ अली तेरा अब्बास अभी बच्चा है, तेरा अब्बास अभी बच्चा है, तेरा अब्बास अभी बच्चा है। मालिक कहता है जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ कहे नज़रा इलैयल अब्बास, अब्बास ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही देखा मालिक कहता है मेरा दिल भी धड़का, दिल में खौफ भी आया, मुझे महसूस हुआ अब्बास की निगाह में वो जलाल था कि जिंदगी में पहली बार मालिक को पता चला कि दिल भी है, दिल में खौफ। अब्बास ने बस देखा, मालिक कहते हैं मुझे पता चला, फरामा कानी में तरफ ही यूं तिरछी निगाह से अब्बास ने देखा। मालिक कहते हैं जिंदगी में पहली दफा मुझे महसूस हुआ मेरे सीने में दिल भी है, दिल में खौफ भी है। कहते ये वो जंग है जिसमें अब्बास ने तलवार ले ली। कितना सन है अब्बास का? ज्यादा से ज्यादा 1100, इससे ज्यादा सन नहीं है। और ये वो कि जिसमें अब्बास ने तलवार निकाली। कैसे लड़ाया अब्बास? तारीख बताती है पुल के ऊपर अब्बास खड़े हो गए, लश्कर ने देखा उधर हसन इधर हुसैन, दरमियान में अली। ऐसा ना हो कि 11 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है उस पुल से गुजर जाए। बस जैसे इनके दिल में ख्याल आया कि उस पुल से गुजर जाए, अब एक दफा हजूम बढ़ने लगा। अब्बास देख रहे हैं कि खारजियों का हजूम आ रहा है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, अब्बास ने तलवार नहीं निकाली, जो भी करीब आता था कमर बंद से पकड़ते थे, आसमान की जानेब उठाते थे, जमीन पे फेंकते थे। मुहर्रिकीन ने लिखा जिसे भी अब्बास ने फेंका
शेर खड़ा है। चलो एक और छोटी सी बात सुनो, उसके बाद तो मसाइब भी आते हैं। तो मसाइब सिया फुल प्याली का शेर, 3 साल का सन था अब्बास का, यमन से एक पहलवान आया, इसका नाम था शाहजहान। इतना बड़ा मशहूर था कि बादशाह के दरबार में गया, देख कहा मेरी बेटी का रिश्ता चाहिए। उसने कहा एक शर्त पूछूंगा, मदीने में एक बंदा है जिसका नाम है अली, मदीने में एक बंदा है जिसका नाम है अली, उसका सर ले आ, रिश्ता तेरा। मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, लाखों से अकेला लड़ता हूँ, हजारों के लश्कर को भगाता हूँ, मेरे सामने अकेला अली टिकेगा? उसका जब सर लेके आएगा ना, अगली बात बाद में होगी। अच्छा चल बड़ा आ गया मदीने में। एक दिन मैं मदीने में दाखिल हुआ, मैंने देखा चंद बच्चे खेल रहे हैं। वो बड़ा पहलवान था, दहशती आवाज में इसने बच्चों से पूछा कि अली का घर कहाँ है। इसकी आवाज की दहशत सुन के भागने वालों के बच्चे भाग गए। बच्चे वो भाग गए, तू नहीं भागा, देख का बकवास बंद कर, ना हम भागते हैं ना भागने देते हैं। अब ना हम भागते हैं ना हम भागने देते, कौन है तू, तुझे किससे काम है? देखेगा अली का घर कहाँ है? देखा पास, देखेगा तू क्या चाहता है अली से? बच्चे तेरे साथ मैं क्या कलाम करूँ, मुझे घर पता है, क्या शुक्र कर अभी कलाम कर रहा है, शुक्र कर अभी जबान चल रही है कलाम, क्या चाहता है? कहा मैंने अली से लड़ना है। बस अल्लाह के जलाल को जलाल आया, और कुदरतुल्लाह से लड़ने आया है, अली से लड़ने आया है, हाँ अली से लड़ना है। तारीख में यही बताते हैं, 3 साल के सन में घोड़े पे बैठे हुए को अब्बास ने यूं पकड़ा, अब्बास ने यूं पकड़ा, पकड़ के घोड़े से उठा के जमीन पे डाला, जैसे जमीन पे गिरा इसके पांव हाथ कांपने लगे, सबसे छोटा बेटा हूं, बस अब्बास ने से गिराया हुआ था। इतनी देर में अली बाहर, इतनी देर में घर से अली ये जमीन पे एड़िया लगा रहा है, देख रहा अब्बास क्या कर रहा है। बाबा तेरे दुश्मन को मार रहा है। अब्बास कौन है, कहां से आया? कहा बाबा नहीं पता, इसने इतना कहा कि अली से लड़ना है, मैंने से उठा के फेंक दिया, उठाया बेटे को, पेशानी चुभी, देख का अब्बास सबर कर एक दिन तेरा भी आएगा, अब्बास सबर कर एक दिन तेरा भी आएगा। बस गुजरती रही जिंदगी,
आ गया सफीन का मैदान, सफीन का मैदान आया। सरकारे अब्बास चेहरे पे नकाब किए हुए निकले, किसने कहा अब्बास जिरा पहन ले, किसने कहा अब्बास जिरा पहन ले, सामने से तीर आ रहे हैं। अब्बास ने देखने कहा मुझे जाने तो दो, मुझे खैर ले क्या है जिरा। अब्बास ने पहनी, जिरा थी थोड़ी सी बड़ी, अब्बास जिरा बड़ी है छोटी नहीं हो सकती, उतार के दे छोटी करें। इज्जत आले मोहम्मद के अब्बास ने इस तरह जिरा को फाड़ना शुरू किया, लोहे की जिरा फाड़ी। बंदा हैरान परेशान, अब्बास दाऊद नबी का मौजा है, उसके हाथों में लोहा मोम हो जाता था। अब्बास ने देख के कहा अली के साथ जंग लड़ने आ गया, तुझे अली की इज्जत अजमत का पता नहीं। बंदा खुदा दाऊद अली का नाम लेता था, मैं अली का बेटा हूं। सीने पे जिरा लगाई, जंग शुरू की। अलमा लिखते हैं अब्बास ने इतनी जंग की, सरों का एक टीला, सरों का एक। और हमेशा जंग के मैदान में कुछ हिस्से होते हैं, एक मेमना होता है, एक मैसरा होता है, एक कल्ब लश्कर होता है। अब्बास ने बयक वक्त तीनों हिस्सों पर हमला किया। मैमना की फौज मैसरे में दाखिल हुई, मैसरा की फौज मैमने में, कल्ब लश्कर ने मैदान छोड़ा। पंदे दौड़ते हुए करीब शाम के खैमे में गए, देख के कहते हैं अपने खैमे से बाहर निकल और बाहर चांद तो देख, कोई ऐसा जवान आया हुआ है जो कभी मैमने को मैसरे पे डालता है, कभी मैसरे को मैमने पे डालता है, कभी कल्ब लश्कर को भगाता है। इसने कहा जवान की निशानी बताओ, उन्होंने कहा जवान की निशानी यही है, बस आसमान में तलवार चमकती है, फिर सरों में उतरती है, फिर धड़ों से गुजरती है। इसने तय के कहा ये बताओ क्या दूसरा वार नहीं करता है, उसने कहा दूसरा वार नहीं करता, जब कहा ना दूसरा वार नहीं करता, ये तय के कहता है कि कोई और नहीं, ये अली का बेटा है, वो भी एक वार करता था और जहन्नम भेज देता था, ये भी एक वार करता है। जहन्नम भेज देता था, ये भी एक बार करता है। बस जब ये जंग देखी ना अली ने, बंदों ने कहा मौला कौन है ये, उस वक्त अली ने इशारा किया बेटा चेहरे से नकाब होगा, बेटा चेहरे से निकाब उतार। फलक की निगाह ने मंजर देखा, चेहरे से नकाब हटाया, सामने भी अली था, घोड़े पे भी। बंदों ने इधर भी देखा उधर भी देखा, उस वक्त अली ने फरमाया अब्बास तू मेरा गाजी है। फिर सीने पे हाथ रखेगा अब्बास एक दिन तेरा भी आए। आओ मेरे दोस्तों, बिला तश्वीश इस तरह बेटे का हाथ पकड़ा, सौरात के किनारे लेके आए, देखे कहा अब्बास ये कौन सा दरिया है, कोशिश करना पुरसा दे देना। बड़ा मान था अली की बेटियों को अब्बास को, अब्बास ये कौन सा दरिया है, रोके अब्बास ने कहा बाबा दरियाए फौरात, बाबा दरियाए। बाबा ये दरिया दरियाए फौरात है। रोके का अब्बास इस दरिया को अच्छी तरह देख ले और जितना लड़ना चाहता है आज लड़ ले, हो सकता है कोई वक्त आए ये दरिया हो, उस वक्त अली ना हो कोई साबिर हो, तुझे लड़ने की इजाजत ना मिले। मोमिनीन अब्बास के दिल में आस रही,
कभी वक्त आएगा मैं भी लड़ूंगा। 19 को अली को जरब लगी, अब्बास ने तलवार भेजने की। शब्बीर ने कहा अब्बास सबर कर, तेरा दिन आएगा। अब्बास सबर कर, तेरा भी एक दिन आएगा। गुजरता गया वक्त, हसन के जनाजे में तीर लगे, अब्बास ने तलवार भेजने की। रो के शब्बीर ने कहा अब्बास सबर कर, तेरा भी एक दिन आएगा। अब्बास 28 को मदीना छोड़ा, अब्बास ने तलवार अलम की, देख के कहते हैं मौला मदीना भी तेरा, छोड़ के भी तू जाए मौला मुझे हुक्म कर। रोके का अब्बास सबर कर, तेरा भी एक दिन आएगा। बड़ी हसरत की निगाह से अब्बास तलवार को देखते थे, देख देख के कहते थे मेरे मौला कहते हैं एक दिन आएगा जब मैं तलवार चलाऊंगा। इज्जतदार मोमिनीन, हुसैन काबा से बगैर हज किए चले। अब्बास ने इजाजत मांगी, शब्बीर ने फिर वही कहा अब्बास तेरा भी दिन आएगा। और आया, इसने लश्कर शब्बीर को रोका। अब्बास ने फिर तलवार भेजने की। शब्बीर ने कहा अब्बास इसे कुछ ना कहे, मेरा मेहमान है। अब्बास इसे कुछ ना कहे, मेरा मेहमान है। बड़ी हसरत से देख कर अली का बेटा, कभी मुझे इजाजत मिलेगी मैं भी तलवार चलाऊंगा। मुख्तसर करूं बात को, आ गया वक्त। 10 मुहर्रम की रात आई, इधर यजीद की फौज ने आके अमान नामा पेश किया, इधर अब्बास बाहर आए, तलवार को अलम किया। अलम करने के बाद कहा बदबख्त हो, मेरे मौला के लिए अमान नहीं, मैं अमान क्या करूंगा। शब्बीर ने कहा अब्बास थोड़ा वक्त रह गया है, अभी जंग न कर, तेरा भी वक्त आएगा। इन्ना लीला पढ़ के अब्बास तलवार दोबारा नया में डाल ली। बस मेरे सामने अकबर का लाश आया। मौला आपकी ये सदाएं अपने दरबार में मंजूर और मकबूल फरमाएं। तो एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, जिस शागिर्द को सारी जिंदगी अब्बास चांद के तरीके सिखाता रहा, जिसे माँ बुड़कों में पालती रही, जिसे बाप देख के जिंदा रहता था, जब उसका लाशा आया होगा अब्बास पे क्या गुजरी होगी। अब्बास ने फिर से तलवार निकाली, जैसे ही फिर से तलवार निकाली, एक दफा हुसैन ने कहा अब्बास थोड़ा सबर कर। अब्बास ने फिर तलवार रख ली, इधर कासिम के टुकड़े आए, अब्बास ने फिर तलवार निकाली, आवाज आई अब्बास सबर कर। उधर आनो मोहम्मद का लाशा, अब्बास ने तलवार निकाली, इधर रोक शब्बीर ने कहा अब्बास सबर कर। बस ये वक्त आया कि 4 साल की मखदूमा अब्बास के पास आई, रो के कहा चचा मेरा 6 माह का असगर प्यास से तड़प रहा है, ओ चचा इजाजत दे तू पानी ले गया, मेरा बच्चा मेरा भाई प्यास से मर जाएगा। कदमों पे हाथ रखे रो के कहा सकीना ना तेरी खुदी इजाजत देती है। क्योंकि कहा चचा अगर मैं इजाजत ले दूं, चचा अगर मैं इजाजत ले दूं, फिर दरिया पे चला जाएगा, पानी ले आएगा। इस तरह सकीना इजाजत ले दे, मैं तो बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बाबा ने भी कहा था अब्बास तेरा वक्त आएगा, मुझे हुसैन ने भी कहा अब्बास तेरा वक्त आएगा, बेटा मुझे इजाजत ले दे, मैं पूछूं मेरे अकबर को बच्चे कैसे बात, मेरे कासिम के टुकड़े कैसे किए, मेरे आला मोहम्मद को कैसे मारा। बस आ गई बाबा के दरबार में, बात नहीं गई, पहली पहली बात की बाबा मैं कौन हूं। रोके फरमाया बेटा मैंने तेरा नाम फातिमा रखा है। रोके कहा बाबा आज फातिमा तेरे दरबार में सवाली है। यार मातम करो, जो अहले सुन्नत है वो बेशक रोए, जो शिया है उसी ने जरूर हाथ मारे। आज फातिमा तेरे दरबार में सवाली बन के आई, बाबा खाली हाथ न
मौलाना की दुआएं मंजूरों का फूल फरमाया। औलाद करीना हो मुजाहिद साहब के लिए आला जी के दर्जात बुलंद हो। क्या कहा सकीना बेटा ख्याल से ले जाना, ये ना हो मेरा छह माह का भी ना रहे, मेरा 32 साल का भी ना रहे। मिल गई इजाजत चाचा को लेके खाने में, लेके कहा चाचा मैं तुझे तैयार करूंगी, चाचा मैं तुझे तैयार करूंगी। सबसे पहले सकीना ने उठाया मशकीना, सकीना ने उठाया मशकीना। दादा मुश्किल जुमला आ गया, सुनोगे? उलमा ने लिखा है अब्बास का कद इतना बड़ा था, घोड़े पे भी बैठता था ना, जमीन पे खत आते थे। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, आज जाके अब्बास की कब्र देखो, जिसका इतना बड़ा कद था, असगर की कब्र जितनी उसकी कब्र, असगर की कब्र जितनी उसकी कब्र है। बेटा तेरा कद नहीं पहुंचेगा, चाचा मशकीरा मैं पहना हूँ। झुकते झुकते अब्बास के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे आए, यही मंजर मुसाफिर शाम ने देखा, रो के कहा अब्बास तेरी वफा को सलाम। अब्बास तेरी वफा को सलाम। तैयार किया, जितने भी जंग के आलात थे सब अब्बास ने से बेतन किए, क्योंकि दिल में आस थी कि आज मेरा दिन है, आज मैंने बदले लेने हैं। अब्बास चलने लगा, मुसाफिर शान रोके कहा अब फिजा, जी बेटा, बेटा बैठ जाओ यहां पर हमसे, जी बेटा, रो के कहा अम्मा मेरे दिल में ख्वाहिश थी मेरा बाबा जंग पे जाए, तो जो मेरी जाने पे कोई आप छोड़ दो, मेरा बाबा जंग पे जाए, मैं बाबा को जंग पे जाते हुए देखूं, मैंने कभी बाबा को ना देखा था, एक लम्हे के लिए अब्बास को बुला, मैं देखूं मेरा बाबा कैसा लगता है। वो इज्जतदार साहबी एक बार अब्बास अपने घोड़े पर खयाम में आए, अब्बास का घोड़ा चलने लगा, हर बीबी ने बैन किया, किसी ने कहा वाह मोहम्मदा वाह अलिया, फिजा कहती है जैसे तू जा रहा है ऐसे मेरा मकसद पूरा नहीं होता, देख रहा अब्बास मुझे मिल के नहीं जाएगा। बोला आपके पास ही आ रहा था इजाजत करने के लिए, करीब आया, देख रहा अब्बास ही सर पे क्या पहना है, रोके तुम्हें मौला की खोद है, अब्बास किस लिए पहना है? बोला अगर सर पे हमला हो तो सर महफूज रहेगा। शबीर ने दूसरी तरफ मुंह किया, रोके का अब्बास ने उतार दो, हाय अब्बास ये उतार दे, अब्बास ने उतार के शबीर के कदमों में रखा, जैसे कदमों में रखा उसके बाद देखे का अब्बास के सीने पे क्या है, देखे का मौला ये सिला है, अब्बास क्यों पहनी, रोके का मौला जैसे अकबर को बर्छी लगी, मैंने इसलिए पहनी कि कोई जालिम मेरे सीने में बर्छी न मारे, अभी मेरे सीने में अकबर की बर्छी का गम है। रो के हुसैन ने कहा अब्बास